Greetings from Hartkia Foundation Citizen Forum Fund. ये फंड हमारे पास में सिटीज़न फोरम के सहायता के साथ में है, जहाँ पे हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बच्चों की सहायता करते हैं. हमारे पास में सबसे जो एक केस आया है, फरमान सन ऑफ फुकरान जो हमारे साथ में है. और आपका नाम क्या है? शहनाज. और इनका बच्चा 3 साल का है. इसको टेट्रोलॉजी ऑफ एलर, जिसको ब्लू बेबी बोलते हैं. अगर आप इसके हाथ को देखें तो हाथ के पूरे नेल्स ब्लू हैं, हाथ के अंदर में अगर आप देखें इसके हाथ को, तो ऐसे बच्चों के वो ब्लू बेबी बोलते हैं, जिसको हार्ट में होल होता है. टेट्रोलॉजी ऑफ एलर, 4 इसके अंदर में अलग अलग बीमारियाँ होती हैं. इन्होंने सहायता के लिए अप्रोच किया है और जीवी पंत से हम लोगों ने इनका एस्टिमेट लिया है, जो कि 60,000 रुपये का आएगा, जिसके अंदर में इनका एक वैल्व बदला जाएगा, एओर्टिक वैल्व, और साथ में इनके ग्राफ पूरी करेक्शन होगी हार्ट की सर्जरी की. और इस सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, और अगर एक बार सर्जरी हो जाती है तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. फरमान जी, आप क्या करते हैं? मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी. आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या करते हैं आप? आर्टिफिशियल हैंडीक्राफ्ट बनाता हूँ मैं, बुंदे वगैरह. और कितना कमा लेते हैं आप महीने में? 4,000 रुपये. 4,000 रुपये महीने में कमाते हैं. और आपका कहाँ रहते हैं आप? जामा मस्जिद के अंदर में. तो आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? और जी कुछ नहीं. तो आपने इस आपको बच्चे के इलाज के लिए, अगर मान लीजिए ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या बताया गया? जी वो जान का खतरा बता रहा है. जान का खतरा बचा रहे हैं. और अब जैसे अगर मान लो हम आपका ऑपरेशन करा देते हैं, तो उसके बाद में आप इसको दवाइयों का खर्चा उठा पाओगे? जी. दवाइयाँ वगैरह आप संभाल लोगे? जी जी. और क्या गारंटी है कि बच्चे को आप आगे जाके पढ़ाएंगे नहीं? कि हम चाहते हैं कि बच्चे को अगर ठीक हो जाता है तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएं. जी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. अपने जैसा काम नहीं करा रहा कि पता लगा उसको अनपढ़ बना के काम करा दिया? जी नहीं. ठीक है. शहनाज, आप क्या करती हो? हाउसवाइफ हैं आप? कोई काम नहीं करती हैं? जी नहीं. और कितने बच्चे हैं आपके? 2. इसके अलावा एक और है? एक और है. वो क्या करता है? 5 साल का स्कूल जाता है. स्कूल जाता है उसके साथ में जो है. और जैसे आपके पति ने कहा है कि आप इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि नहीं? जी हाँ, पढ़ाएंगे. जो हम नहीं बन सके वो हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं. इसका इलाज हो जाए, ठीक हो जाए. आप कुछ बोलना चाहते हैं दोनों मिलके? कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखे और बस और अच्छा डॉक्टर बने आगे चल के, आप लोगों के जैसा, यही चाहते हैं हम लोग. तो जो सिटीजन फोरम हार्ट केयर फाउंडेशन फंड आपको पैसा दे रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं हार्ट केयर फाउंडेशन सिटीजन फोरम से अप्रोच करी थी अपने बच्चे के इलाज के लिए, जिसे हम इस बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उनसे हेल्प चाहते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाए. यही सब हेल्प तो हम आपको दे रहे हैं, अब क्या कहना चाहते हो? अब ये कि बहुत हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, कि आगे चल के और ऐसे बच्चे हों जिनकी आप हेल्प करें, वो भी ठीक हों और आगे चल के कुछ बने, जिंदगी मिले उनको भी. नहीं यही सब. चलो फिर जब सर्जरी हो जाएगी एक बार फिर आप हमारे पास में आएंगे, बच्चे को मिलाएंगे हमारे को. हम चाहेंगे बच्चे के साथ में हमारी जब ठीक हो जाए तो पूरी फोटो हो. जी जरूर. ठीक है जी. तो ये थे फरमान बेबी सन ऑफ फुरकान, और साथ में शहनाज इनकी वाइफ हैं. और हमारी तरफ से हम इनको पूरी सहायता कर रहे हैं, और ये फंड जीवी पंत हॉस्पिटल के नाम पे दिया जाएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम पे, और बच्चे की बाकायदा सर्जरी होगी और एक जान इससे बचेगी. धन्यवाद. ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक, हार्ट केयर फाउंडेशन सिटीज़न फोरम फंड. हमारा ये सिटीज़न फोरम फंड बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, उनको सपोर्ट करता है. फरमान 2.5 साल का मेरे साथ में है, इसके मम्मी पापा मेरे साथ में हैं. इनको टेट्रोलॉजी ऑफ एलर था, इनको हमने सपोर्ट किया था सर्जरी के लिए जीवी पंत हॉस्पिटल के अंदर में, और ऑपरेशन के बाद में आज ही हमारे पास में आया है. इसको लार्ज VSD थी, यानी कि 2 बड़े कमरों के बीच में दीवार के अंदर में खिड़की खुली हुई थी. इनकी जो दरवाज़ा लंग्स में जाता है वो नैरो था, और इसको हम टेट्रोलॉजी ऑफ एलर्ट बोलते हैं. इसका कंप्लीट रिपेयर हो गया. रिपेयर से पहले बच्चे के जो नेल्स थे वो सारे ब्लू थे, और अब आप देख सकते हैं कि जो इसके जो ब्लू कलर था वो सारा का सारा गायब हो गया है, पिंक हो गया है. यानी कि इसकी जो बीमारी थी ये बिल्कुल ठीक हो गई है, और अब ये बच्चा आगे जाके नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा. कुछ बोलना चाहते हैं? सर बस
बिल्कुल ठीक है, आप आपके हिसाब से जी पढ़ाओगे लिखाओगे इसको जी। बच्चे की हमारी बीमारी जो होती है वो ख़त्म हो गई है, और जो दिक्कत अभी थोड़ी बहुत रह गई वो और हो जाए, उसके बाद आगे चल के पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। और ना इस बीमारी के तो हमें कुछ उम्मीद नहीं थी कि बच्चा हमारा इतनी वैसी कंडीशन में था कि पूरा ही नीला पड़ा हुआ था, इसीलिए अब बच्चा हमारा थोड़ा ठीक है। नीला चलो फुमैन, हाँ शेक हैंड, शेक हैंड।